चतुर्काधीश, तो चतुर्भुज है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें, ठीक है भाई। हम करने वाले हैं रीडिंग एंड हमारे सामने है टैरो एंड एक है ये ट्विन फ्लेम ओरेकल, एक दूसरा ओरेकल है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज एंड वही हम देखते हैं। तो हमें लग रहा है कि हम एनर्जी ओरेकल भी यूज करें, ठीक है। सो हियर आई प्लेस द कार्ड्स। तो भी आज महाशिवरात्रि, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलता है एंड कनेक्ट विथ द टैरो फर्स्ट, ठीक है। टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलता है वो देखते हैं हम, ठीक है। लेट्स सी, ओके चलो। तो करते हैं यहाँ पे हम शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स, यस। तो अभी देखते हैं पहला कार्ड क्या आ गया है एंड ये है भाई सेवन ऑफ हार्ट्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। ये कार्ड हमें मिल चुका है। देखते हैं सेकंड कार्ड हमें क्या मिलता है एंड दैट इज ऑल अबाउट द अलादीन एंड मैजिक लैम्प, द मैजिशियन सेकंड नंबर पे आ चुका है, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन कार्ड मैं कह सकता हूँ। तीसरा जो है वो है एट ऑफ हार्ट्स, ओके। दैनिक कार्ड दिस चुकी है हमिट एंड फिफ्थ कार्ड निकालते हैं जो कि है गाइड ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियोस, ठीक है। सिक्स कार्ड भी निकालते हैं एंड दैट्स ऑल अबाउट द टेन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, एक्वेरियस एंड फाइनली सेवेंथ जो कि भी चैरियट। तो हमें आई थिंक द मैजिशियन भी मिला है, हर्मिट भी मिला है एंड चैरियट, तो तीन मेजर अरकाना इस रीडिंग में हमें मिले हैं। तो चलो मैं कार्ड्स रखता हूँ यहाँ पे, ओके सारे कार्ड्स दिख जाएंगे एंड हियर वी गो, ठीक है। तो चलो अगर हम इस रीडिंग को देखते हैं तो हमें कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मिला, ओके। फिर हमें एरीज लियो सैज मिला एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन है, मैं यहाँ पर मिसिंग दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेजर अरकाना, तो जैसे मैंने कहा मैजिशियन, हर्मिट एंड चैरियट वो सभी राशियों का अप्लाई होते हैं। अगर स्पेसिफिक बात करें तो हर्मिट होता है वर्गो को एंड चैरियट होता है कैंसर को, ठीक है। तो अगर हम इस व्यक्ति की बात करें, सो यू कैन जस्ट सी ये है सेवन ऑफ हार्ट्स, इस पर्सन को लग रहा है कि भाई हाँ सब कुछ सही होने वाला है एंड आई कैन डू वेरी गुड थिंग, लेकिन कैसे वो क्वेश्चन है। आई थिंक कहीं ना कहीं प्यार का इजहार कैसे करें ये क्वेश्चन है, कैसे रूटे हुए को मनाएं ये क्वेश्चन है, दैट इज गोइंग ऑन। हाँ अगर आई थिंक किसी ने सवाल पूछा था फिर लाइक वाइज कि इट्स ऑल अबाउट द न्यू फ्रेंड, जो मैंने कहा था कल के रीडिंग में, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक नए फ्रेंड के साथ किस तरह से पेश आएँ, वो भी यहाँ पे कंफ्यूज अवस्था दिख रही है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि मान लो आप किसी नए जगह पे आ गए और आप कहीं पे घूम सकते हैं, यहाँ वहाँ वगैरह जाएंगे कहाँ, तो वो एक चीज़ जो है वो यहाँ पे हमें अप्लाई होती हुई नज़र आती है, ठीक है। नाउ लेट्स कनेक्ट विद नेक्स्ट कार्ड भाई, जो है अगर हम इसे देखें तो वो है चैरियट कैंसर, ठीक है। कैंसर की अगर हम बात करें तो ये पर्सन बेसिकली चाहता है कि आगे बढ़े एंड रुके नहीं। हालांकि यहाँ पे इश्यूज ऐसे आ रहे हैं कि द पर्सन इज़ कनेक्टेड विद पास्ट एंड प्रेजेंट या प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। मतलब आप भी और कोई और भी है या फिर सिर्फ आप हैं एंड उसकी फ्यूचर की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें थोड़े से चेंजेस हमें दिख रहे हैं। कैसे हो सकता है कि जो वो आपके बारे में सोच रहा है कि आप फ्यूचर में ऐसे होगे वगैरह, वो में भी कहीं पे मिसिंग हो सकता है। तो हम इसको देख रहे हैं जो कि है भाई पीटर पैन एंड चैरियट, सो वी कुड से कि ये पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है मोस्ट, जैसे कि हम इसे देखते हैं कि भाई यू नो विथ टू हॉर्सेस, तो वही चीज़ यहाँ पे आ रही है। दिस पर्सन अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी सी मिक्सअप हो रही है यहाँ पे कि एग्जैक्टली वो क्या देख रहा है एंड कैसे देख रहा है। कई बार हमें लगता है कि हमारी जो छवि है वो अभी अलग है एंड बाद में अलग हो सकती है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ सकती है। कहीं ना कहीं अगर फिर भी किसी को लग रहा है कि भाई व्हाट इज़ द न्यू फ्रेंड इशू, सो न्यू फ्रेंड इशू का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे मे बी समबडी इज़ अट्रैक्टेड टू यू एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है सडनली कुछ चेंजेस आप फील कर रहे हो, चाहे वो 14 से हो, उसके पहले हो, यू नो फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ द फेब या फिर उसके बाद में हो व्हेन यू गॉट ब्रेकअप एंड लाइकवाइज, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे दो रास्ते दिख रहे हैं इस पर्सन को भी एंड शायद आपको भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो आपको भी कनेक्ट करता है। सो मेरे हिसाब से अगर हम इसको इस तरह से देखते हैं तो
आपके पास और इस पर्सन के पास जिसको भी एप्लीकेबल लगता है दो चॉइसेस हैं। अब उसमें से कौन सी चॉइस आप करते हैं ये तो हर एक के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट वी गेट द मैजिशियन एज वी कैन सी। यहाँ पे चेंजेस होते हुए हमें नजर आते हैं, मतलब क्या है कि भाई ऐसे चेंजेस जिसके कारण आपको वो सब मिल सके जो आपने कभी सोचा था। ठीक है, जैसे कि मान लो रिसेंटली किसी का ब्रेकअप हो गया, फिर इस पर्सन का ब्रेकअप हो गया। ठीक है, मे बी आप इसको समझते हो, मे बी यू लाइक दिस पर्सन, ओके, लेकिन ये पर्सन आपसे दूर है। हो सकता है कि इसका ब्रेकअप हुआ है ना, आपको सैड लग रहा है, जस्ट इमेजिन। तो ऐसे में क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसके ज़िंदगी में आते हो तो किस तरह से ये पर्सन हैप्पी हो सकता है, किस तरह से आप दोनों की जो एनर्जी है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, ऐसे सपने आप भी देख सकते हो। और अगर इस पर्सन को भी इंट्यूशन मिल रहा है तो वो भी फील कर सकता है। वही अगर हम देखें कुछ और बातें, तो मैजिशियन का मतलब ये कि यू आर एक्सपेक्टिंग कि चेंजेस हो जाएँ सही तरीके से, एंड ये पर्सन भी सोच रहा है कि चेंजेस हो जाएँ सही तरीके से। दैट इज़ द मेन थिंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस पर्सनस माइंड। लेकिन ये जो कार्ड है वो है एट ऑफ हार्ट्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसेस, एंड दैट इज़ द कार्ड व्हिच इज़ स्टॉपिंग दिस पर्सन। मेरे हिसाब से ये पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग लव, रिगार्डिंग रिलेशनशिप, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिगार्डिंग डिसीजंस, वो यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंज होती हुई हमें नज़र आ रही है। आजकल जहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो बहुत जल्दी बदलती है, लाइक यू, यहाँ पे ये पर्सन जो है वो आई थिंक ज़्यादा सोचने लगा है। अगर आपकी करंट रिलेशनशिप है तो भी ये पर्सन बहुत सोच रहा है, एंड मे बी किसी एक मोमेंट पे आके वो रुक गया है। तो अगर आप उसको सोच रहे हो कि भाई आप बता रहे हो कि एक पॉइंट आगे जाके सोचो, आई थिंक ये पर्सन रेडी नहीं है उसके लिए। इसके दिमाग में या दिल में जो अंडरस्टैंडिंग है वो है, जैसे कि मान लो अगर सडनली ये पर्सन आपके ऊपर गुस्सा हुआ होगा और आपने कहा कि कोई बात नहीं, आई कैन मैनेज, लेकिन ये पर्सन उस बात को लेके अड़ा हुआ कि हाउ डिड आई डू दैट, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो वैसी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हमें मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये है भाई स्नो वाइट, एंड एज वी कैन सी दिस द हर्मिट। भाई हर्मिट का जो रोल है, या तो इसका कोई फ्रेंड है जो इसके ज़िंदगी में आके अलग फ्रेंड, ओके, कि इसको एक नई दिशा दे सकता है कि भाई एग्जैक्टली इस पर्सन को क्या करना चाहिए, कि भाई मूव ऑन करे या फिर आपसे यू नो ओपन अप होके बातें करे, कि जो भी आपके मन में है, इसके मन में कन्फ्यूजन है, इसके मन में स्ट्रेस है, यू नो ये तुलना कर रहा है किसी की किसी के साथ, तो ये चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि भाई बस अपने दिमाग में सोचो मत, बल्कि और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करो। मे बी अगर आपको ये अपने क्वेश्चन बता देगा तो आप उसको कुछ सही जवाब दे भी दोगे, तो वो चीज़ भी हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो है 10 of Swords, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर हम इसको देखें तो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, बिकॉज ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक एंड जैसा हो गया, मतलब कुछ इश्यूज़ जो है ये पर्सन उस इश्यूज़ को दबाना चाहते हैं। हम कहते हैं ना कि अगर हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हम किसी को नहीं शेयर करते, या फिर चाहते कि नहीं कोई यू नो समझे इस बात को, बिकॉज या तो कोई नहीं समझ पाएगा या फिर कि भाई उनके रिएक्शन बहुत तगड़े होंगे जो हम नहीं चाहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है कि अगर ऐसी कोई बात है वो चीज़ शायद वो आपको बताना नहीं चाहते हैं। अगर मैं न्यू फ्रेंड की यहाँ पे बात करूँ, सडनली किसी ने कहा होगा न्यू फ्रेंड ने भाई आई वॉन्ट टू बी विथ यू इन लाइक वाइज, तो ये बात आपको नहीं बताना चाहते, बिकॉज अगर वो आपको बता देंगे कि ऐसा किसी ने कहा, तो शायद आपकी उनकी तरफ देखने की जो दृष्टि है या फिर जो अंडरस्टैंडिंग है वो बदल जाएगी, एंड मे बी वो उनको एज अ फ्रेंड चाहते हैं बट नॉट मोर देन अ फ्रेंड। ये हर एक के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि काफ़ी लोगों को पानी में ट्रैवल करना अच्छा लगता है, काफ़ी लोगों को नहीं अच्छा लगता, डर लगता है, तो ये अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग आती है। और यहाँ पे हम कहते हैं व्हाट वी सी ओवर हियर, ये है गाइड ऑफ वॉन्ट्स एरीज लियो सर्च। इसके हिसाब से भाई जैसे मैं हूँ वैसे जीव, एंड अगर इसको लगा कि मुझे एक बहुत ही काबिल पर्सन मिल रहा है, ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि आपको जो पर्सन है वो अगर यू नो पार्ट करता हो ज़िंदगी में, तो अगर उसको लग रहा है कि मुझे एक अच्छा काबिल पर्सन मिल रहा है, तो शायद वो ऑफ़र एक्सेप्ट भी कर ले। और जिसको नहीं करनी है वो कह रहा है कि मैं अभी भी खुश हूँ, मुझे किसी बात की ज़रूरत नहीं है, आई डू हैव रोमांस फन इन माई करंट रिलेशनशिप। ठीक है भाई, ये आ गया यहाँ पे। और अब देखते हैं ट्विन फ्लेम और ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफल, एंड हियर वी गो। एक पहला कार्ड आ गया जो कि अभी लव एक्सप्रेशन ऑफ अफेक्शन फ्रॉम योर काउंटर पार्ट, ये पहला कार्ड आ गया। और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो दो तीन, एंड ये आ गया 14। चलो इतने ही लेंगे हम।
नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मैनिफेस्टेशंस, योर प्रेयर्स एंड विजुलाइजेशंस हेल्प ऑब्स्टैकल्स, देयर आर चैलेंजेस एंड चाइल्डहुड वुंड्स अनरिजॉल्व्ड इनर इश्यूज। पर देखो पहली जो बात है कि एक्सप्रेशन ऑफ योर अफेक्शन, एक्सप्रेसिंग ऑफ अफेक्शन फ्रॉम योर काउंटर पार्ट, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपकी तरफ से हो या फिर इनके नए फ्रेंड की तरफ से वो चीज़ें ये महसूस कर रहे हैं, जो प्यार का तराना है ये इसके तरफ ज़्यादा गाया जा रहा है, ये पर्सन इस चीज़ को महसूस कर रहा है। वही जो है वह मैनिफेस्टेशन कि अगर आप प्रेयर कर रहे हो या फिर अगर कोई दूसरा इनके लिए प्रेयर कर रहा है कि भी मेरी बात आप समझे, मुझे समझे, तो ये पर्सन की अंडरस्टैंडिंग उनकी तरफ जा रही है। मतलब अगर वो देखे यू नो मतलब कि ये देखो हर एक को एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने रिश्ते को देखोगे तो कई दफ़ा ऐसा मानो कि यू नो कि कुछ लोग, कुछ कपल कहते हैं कि भाई हमने 2 साल तक डेटिंग की एंड देन हमें लगा कि नहीं हमारे रास्ते मैच नहीं होते हैं, फिर हमने हमारे रास्ते बदल दिए। ठीक है, ये क्यों आता है? बिकॉज यहाँ पे उनको लगता है कि एक दूसरे की जो प्रेयर है वो मैच नहीं होती, जो आपकी सोच है और जो उनकी सोच है वो मैच नहीं होती, ऐसे में फिर वो रास्ते बदल देते हैं। ठीक है, एंड एक और चीज़ें भी होती हैं, अगर किसी को लगता है कि मुझसे भी ज़्यादा कोई है जो इनको प्यार करता है, अगर ऐसा कुछ आया है तो मे बी वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में रहे। अगर हम इस रिश्ते की बारीकियाँ देखें तो हाँ ऑब्स्टैकल्स हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। ऑब्स्टैकल्स इसलिए हैं कि हर रिश्ते में होते हैं कम एंड ज़्यादा, आपको उस ऑब्स्टैकल को दूर करना पड़ेगा। हालांकि बहुत से कपल ऐसे होते हैं जिनका कहना होता है कि भाई मेरे रिश्ते में कोई भी ऑब्स्टैकल्स हो ही ना, क्योंकि उनके हिसाब से प्यार एक बहुत ही सिंपल सा रास्ता है, उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए, और अगर आती है तो फिर उसके लिए अगर कोई रेडी नहीं है तो सीधा रिलेशनशिप को छोड़ ही देता है। वही अगर हम ये कार्ड देखें तो ये उनके लिए काफ़ी मैटर कर सकता है, चाइल्डहुड वुंड्स अनरिजॉल्व्ड इनर इश्यूज़। अगर आप में से किसी ने इनके चाइल्डहुड वुंड्स पे जाने अनजाने में पाव रखा है, यू नो कोई भी इशू, जैसे कि मान लो बचपन से इनको डाउट के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, अगर अपनी जान बूझ के या फिर ना जानते हुए कोई इनके ऊपर छोटा सा डाउट भी लिया और अगर ये गुस्सा हो गए तो रिजल्ट्स देखने को अलग मिलते हैं। वो चीज़ें कि क्या अंडरस्टैंडिंग आती है हर व्यक्ति की, और हर रिश्ते में फिर हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। वही अगर हम देखते हैं एनर्जी ओरेकल को, ठीक है चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। यहाँ पे हम चुनेंगे 3 से 4 कार्ड, चलो भाई 1 एंड 2, ठीक है एंड 3 एंड फाइनली 4, 4 कार्ड्स आ गए, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। एंड ही वी गो, ये कार्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है मैजिशियन एंड द मिरर, एज यू कैन सी द टेम्पल पाथ, ठीक है द गार्डन एंड द गेट एंड द थिंकिंग वुमन। तो जो मैं कह रहा था बार बार रिगार्डिंग की डाउट है या फिर नया फ्रेंड है, कोई शायद क्विट कर सकता है अपना रिलेशनशिप, तो कैसे, सो लेट्स सी अबाउट इट। देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा है, द थिंकिंग वुमन मतलब ये पर्सन आप भी हो सकते हो, ये पर्सन ये भी हो सकता है। डू नॉट गो ऑन जेंडर, जेंडर के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बट ये क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे सोच बदल रही है या फिर सोच में चेंजेस आ रहे हैं कि क्या मैं इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं। और जब तक ये क्वेश्चन आते रहेंगे तब तक इश्यूज आपको रिलेशनशिप में देखने को मिलेंगे, एंड दैट इज़ द मेन थिंग। अब मान लो ये पर्सन आपके सामने हैं, आप उसे मिल सकते हैं या फिर कहीं पे अलग अलग स्टेट में हैं, आप जाके उन्हें चेकआउट भी कर सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं ये पर्सन किसी दूसरी कंट्री में है, तब क्या होगा अगर इश्यूज आ गए तो? सो दैट इज़ द मेन रीज़न। मैजिशियन एंड द मिरर का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे ही रास्ते हैं, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप दोनों ने डाउट्स वगैरह वो जो भी चीज़ें हैं क्लियर कर दिए तो आप दोनों के रिश्ते में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, ये जो समझेगा उसके लिए ईजी होगा, बिकॉज ये प्यार क्या है अभी तो टेम्पल पाथ है, आपको जाना है वहाँ पे, प्यार आपका आपकी राह देख रहा है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन टेम्पल तक जाना आसान नहीं है। यहाँ पे बस हमें मंजिल दिख रही है, जैसे कहता है ना कि लोग देखते हैं कि भाई हिमालय क्रॉस कर रहा है, वो दिख रहा है, लेकिन बाकी के जो रास्ते होते हैं वो मुश्किल होते हैं, तो वो चीज़ मैटर करती है। हालांकि उसके बाद जो मिलेगा वो है द गार्डन एंड द गेट, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर दिखती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, कई लोगों के हिसाब से इसमें यू नो रैशनलिज्म है या फिर यहाँ पर ज़्यादा मॉडर्न है या फिर यहाँ पे यू नो खूबसूरती है, हर किस्म, जो भी आप चाहे इमेजिन करें कि आपको मिल रहा है, मान लो नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे अगर जिसको लग रहा है कि मैं बहुत सिंपल हूँ और अगर ये पर्सन सिंपल है दे विल कनेक्ट,
और अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो साथी है वो बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो, एडवेंचरस हो, या फिर जो कि आपकी इच्छा है, और ये पर्सन अगर ऐसा नहीं है तो शायद आपके लिए यूनिवर्स हैं वो कुछ चेंजेस ला रही है. सो इफ आई रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट. सी यू नेक्स्ट.